हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। ये वीडियो जीएस पार्ट 7 लेकर आया हूँ जो एसपीडी का है और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? तो बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि में उसके याद पर दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? जो अर्थशास्त्र में नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया, तो 1969, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। वो 1829 में लगाया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वंद्व शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वंद्व शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे एनसीईआरटी की स्थापना, एनसीईआरटी नाम से जानते हैं हम, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ऑप्शन नंबर डी, और उनको 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाया गया था, और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी, यानी कौन से आईआईटी का स्थापना भारत में पहली बार की गई थी? तो आईआईटी खड़गपुर, यानी आईआईटी खड़गपुर की स्थापना भारत में पहली बार हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यही सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था, 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया गया था? यानी डॉक्टर अमर्त्य सेन को इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ये भारतीय हैं, तो उन्हें 1998 यानी 1998 में मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था, जो कि 1911 में रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में किया गया था? तो बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, यानी विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जा सकता है? यानी नोबेल पुरस्कार में जैसे संयुक्त रूप से, यानी एक चीज़ के लिए दो या तीन या चार कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड एंड डिस्पैच को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? दोस्तों 1912 से 1919 तक वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे थे, तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो पहली बार सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, और पीछे देखा हमने सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? यानी पूरे विश्व की बात चल रही है वहाँ पे, तो प्रथम महिला कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? वो थी मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी?
तो ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है, यानी किस स्टेट को दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जो कि अमृतसर में है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जीएस का क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले चाहे रेलवे या ग्रुप डी के पेपर में बहुत ही आसानी से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर। और ये एसपीटी का जो वॉल्यूम 2 है, इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसका करवा रहा हूँ मैं आप लोगों के पास। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ऐसे रोज़ एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा, और ऐसे कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।